ये गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक सर वाले, नानक सर वाले। ये गुरु हरकृष्ण साहब है जिनका बंगला साहब है, इन्हीं का है बंगला साहब जी, गुरुद्वारा इन्हीं का है। ये गुरु तेग बहादुर साहब है जो लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा इनका है वो। अच्छा, ये सर। हाँ जी, ये गुरु नानक देव जी, ये दसों गुरु आ गए सर, ये गुरु रामदास जी हैं। हाँ जी, तो कितनी खूबसूरत खूबसूरत ये फ्रेमिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये मैं दिखा सकता हूँ। वन ईयर की वारंटी भी देते हैं, कोई भी आप स्वरूप लेते हैं तो वन ईयर की वारंटी मिलती है आपको लाइट के लिए। वन ईयर की वारंटी, हालांकि खराब नहीं होती, एज ए फॉर्मेलिटी है बट खराब नहीं होती है। दोस्तों चलते चलते नजर पड़ी एक फोटो फ्रेम शॉप पर, और जैसे ही हम लोग अंदर घुसे दिल खुश हो गया। बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम है, रिलीजियस फ़ोटो फ्रेम भी बनाते हैं भाई साहब, और भी बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम हैं। ये गुरु गोविंद सिंह साहब, ये गुरु गोविंद सिंह साहब की का फ्रेम है। ये गुरु नानक साहब जी का स्वरूप है जी, और जैसे ये भी गुरु नानक साहब जी का ही है बट ये वर्टिकल में बना है, ये हॉरिजॉन्टल में है। तो बाकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज अलग अलग जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट। और ये गोल्डन टेंपल, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, आप देख सकते हैं दोस्तों। गोल्डन टेंपल है, गोल्डन टेंपल कह लो, दरबार साहब कह लो, बात तो एक ही है। प्राइस बताऊंगा आपको, पहले आप देख लीजिए, कलेक्शन देख लीजिए, ये देखिए बेहद ही खूबसूरत। ये भी गोल्डन टेंपल है, बाकी ये गुरु साहब के साथ में है। हाँ जी, बट ये जैसे लाइटिंग का और पिक्चर का मतलब अलग अलग काम के हिसाब से, मतलब अलग अलग चीज़ बना रखी है। अच्छा, ये बताइए आपको फ़ोटो दी जाती है, आप फ्रेमिंग करते हैं या पिक वगैरह खुद ही आप? नहीं, हमारे पास ये पिक्चर वगैरह हम लोग खुद ही मतलब बनाते हैं सब कुछ। हाँ, पहले फाइलें तैयार करते हैं, फिर फाइलें तैयार करने के बाद प्रिंट आउट निकलता है, फिर उसके ऊपर वर्क होता है, फिर फ्रेमिंग होती है, उसके बाद लाइटिंग फ्रेमिंग वर्क, बाकी इस तरह से काम होता है इसके। बेहद ही खूबसूरत दोस्तों, कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे हमें? और ये देखिए, जैसे ये है खाटू श्याम जी का स्वरूप है, खाटू श्याम जी का, ये देखिए, ये खाटू श्याम जी का स्वरूप है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बेहद ही खूबसूरत खूबसूरत कलेक्शन है भाई साहब के पास, मैं बताऊंगा कहाँ पे हूँ। ये देखिए, बाबा उड़पाक सिंह जी का स्वरूप है, ये राधा किशन के भी है, मतलब सारे रिलीजियस सब मिलेगा आपको, राधा किशन, राम दरबार, शेरावाली माता, ये सब मतलब रिलीजियस में ही आता है। रिलीजियस में ही आता है, सीरीज तो हो गई, जैसे लैंडस्केप हो गया, नदी, पहाड़, झरने, वो हाँ फ्रेमिंग है, मतलब हाँ फोटो फ्रेम का ही काम है, बट ये है कि थोड़ा सा फैंसी काम है। फैंसी काम। अच्छा, ये जो लाइटें लगी है इसमें अर्जुन भाई, ये जो लाइट्स वगैरह लगी हैं, ये जो ये मोती वगैरह लगे, ये आप लोग खुद लगाते हैं? ये खुद ही लगाते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं। हाँ, अब जैसे खाटू श्याम जी के है, ये बांके बिहारी जी का हो गया, अब इसके ऊपर एक एक वर्क जो देख रहे हैं आप, मतलब इसमें जो मीनाकारी है, एक एक स्टोन लगाना, मतलब थोड़ा सा लेबर इसके ऊपर काफ़ी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो खाटू श्याम जी की फ़ोटो है, ये हमने 3D में बना रखी है। 3D में है ये? 3D फोटो है। अच्छा। और लाइटिंग इसमें हैवी वाली है, आप देखेंगे आगे पीछे मालाएँ आ गए हैं उनकी, बाबा जी की, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, इसमें एक एक मोती हाथ से लगाया हुआ है हम लोगों ने। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये अर्जुन भाई है हमारे, और ये हमारे पवन भाई है, अर्जुन और पवन भाई दोनों कजन्स हैं, और मैं इस वक्त तिलक नगर में हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए अर्जुन भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है, हम इस समय 13 ब्लॉक में हैं, 13/28 ए शॉप नंबर है हमारा, मंगल विहार रोड के ऊपर हमारी शॉप है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो स्टार्टिंग प्राइस की अगर बात की जाए, अर्जुन भाई, पवन भाई, स्टार्टिंग प्राइस की अगर बात की जाए, अगर कोई आपसे बनवाने के लिए आता है अपनी पिक लेके, अपना कुछ कलेक्शन लेके, तो कौन सा साइज है और कितने का बना के दोगे? सर, प्राइस जो डिपेंड करता है फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये 5-7 का साइज है और ये मिनिमम 100 रुपीज़ का है। अच्छा, अगर आप इसमें फ्रेमिंग अगर थोड़ा ब्रॉड कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा, जैसे जैसे फ्रेमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, मगर मिनिमम 100 रुपीज़। और मैक्सिमम तो सर आप देख ही रहे हमारे, ये 25,000 रुपीज़ है। अच्छा, 25,000 का है? वाह, ये स्वरूप 25,000 के तीनों स्वरूप, और वो 18,000 का है। अच्छा, ये 12,000 का है, ये बाकी वेरिजी 12,000। अच्छा, और ये 11,000 का है, खाटू श्याम जी का जो स्वरूप है 11,000 का। 11,000, यस सर। सबसे महंगी कौन सी? 25,000 की? ये तीनों स्वरूप 25,000 रुपीज़, 25,000 की। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआती प्राइस है 100 रुपये और मैक्सिमम जाता है 25,000, लेकिन खूबसूरती आप देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत ये फ्रेमिंग हुई है, ज़बरदस्त। 3D में है सर ये? भी 3D में सर, चार साहब ज्यादा जो है 3D में बनी हुई है, ये भी तीनों 3D में। देखिए आप, बाबा जी जो ये कटिंग करके आगे आए हुए हैं ना,
ये 3D में है, ये तीनों स्वरूप 3D में है। ये भोले शंकर देखिए, ये भी 3D में है सर, ये शिव शंकर जी। अच्छा, ये जो 3D वाला मामला है, कलेक्शन है, ये अभी आया है बहुत पहले से आया पवन भाई? सर काफ़ी पहले से है, हाँ, बट ये हैंड कटिंग है सर, ये सारा साल हो गया हमें इसके ऊपर 3D के ऊपर काम करते हुए। अच्छा, हैंड कटिंग है, खुद करते हो आप दोनों? अच्छा, आप दोनों ही काम करते हो और कोई काम नहीं करता है? और कोई नहीं है, कोई लेबर वगैरह कोई नहीं है, हम ही है जो कुछ है। वाइब्स भी बहुत अच्छी आ रही है मुझे यहाँ पर खड़े होकर। अच्छा ये बताओ अर्जुन भाई, एक इसको बनाने में, फोटो फ्रेम को बनाने में कितना टाइम लगता है? देखिए, इसको अगर हम एक बार अगर शुरुआत करें तो कम से कम भी 20 से 25 दिन लग जाते हैं। 20 से 25 दिन लगते हैं स्वरूप को तैयार करने में, मतलब डेकोरेशन में भी, मतलब फ्रेमिंग में तो वैसे उतना खास समय नहीं लगता, फ्रेमिंग तो ज़्यादा 2 दिन में रेडी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर जो मेन वर्क है, वर्क के ऊपर टाइम लगता है, जो मीनाकारी वगैरह होती है ना, जो सजावट का काम है, क्योंकि ये बहुत सफाई, इसमें सफाई देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब स्टोन लगाने हैं तो कहीं भी लगा देना है, एक सफाई से पर्टिकुलर मतलब उसी स्थान पे, जगह पे लगना चाहिए ना, सफाई वाला काम है, कहना उसमें टाइम लगता है बस। ये गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक सर वाले, नानक सर वाले, ये गुरु हरकृष्ण साहब है जिनका बंगला साहब है, इन्हीं का है बंगला साहब जी, गुरुद्वारा इन्हीं का है। ये गुरु तेग बहादुर साहब है जो लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा, इनका है वो। ये सर, हाँ जी, ये गुरु नानक देव जी, ये दसों गुरु आ गए सर, ये गुरु रामदास जी हैं, हाँ जी। तो कितनी खूबसूरत खूबसूरत ये फ्रेमिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ये मैं दिखा सकता हूँ। 1 ईयर की वारंटी भी देते हैं, कोई भी आप स्वरूप लेते हैं तो 1 ईयर की वारंटी मिलती है आपको लाइट के लिए। 1 ईयर की वारंटी, हालांकि खराब नहीं होती है, एज ए फॉर्मेलिटी है, बट खराब नहीं होती है। ये भी 3D है? नहीं, ये सर 3D नहीं है, बट इसमें जो बहुत बारीक काम हुआ है, हाँ, इसकी कीमत 15,000 रुपये है। 15,000 बनाने में कितना टाइम लगा इसको सर? वही 20 से 25 दिन। अच्छा, 20 से 25 दिन लगते हैं सर? डेकोरेशन में टाइम लगता है, क्योंकि एक एक मोती लगता है ना, अलग अलग उठा के ऐसे गम लगाया पहले, फिर स्टिक से एक स्टोन उठाया वहाँ लगाया। एक खानदानी काम है या आपने सीखा है? नहीं, है तो खानदानी है, है तो खानदानी। भाई की स्माइल दिखा दे रहा, कितने प्यारे प्यारे आदमी, प्यारे इंसान है ये। अच्छा, आप ऐसे ही हंसते रहते हैं? हंसते ही रहते हैं सारा दिन, और क्या। चलिए बढ़िया, भगवान करे आप यूं ही मुस्कुराते रहें। अगर किसी को ऑनलाइन मंगानी हो आपसे या फिर डिलीवरी करानी है तो कर देंगे आप लोग? सर कर देंगे, दिल्ली एंड नियर बाय, दिल्ली और नियर बाय ओनली, हाँ, बट जो फेयर होगा वो देना पड़ेगा कार्टेज। हाँ, बिल्कुल फेयर होगा तो देना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से खूबसूरती इतनी है इन फ्रेमिंग्स की और सफाई इतनी है, आप सफाई देखिए, एक एक जो मोती है, मोती बीड्स बोलेंगे इसको, हाँ जी बीड्स, हाँ जी बीड्स बोल, भाई साहब ज़बरदस्त खूबसूरती लग रही है देखिए। तो मेरे हिसाब से आपको या तो यहाँ पर आके देखनी चाहिए ये फ्रेमिंग्स, अपने घर लगवानी चाहिए, या फिर आप वीडियो देखकर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर एक बार जल्दी से बता दीजिए अर्जुन भाई अपने जी, 9210296414। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो वाकई में दिल जीत लेते हैं और दिल खुश हो जाता है उनको शूट करके, आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ और सौरभ के साथ। मकसद ये था आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, ये कारीगरी पहुँचे, ये खूबसूरती पहुँचे, कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, 20-20 दिन एक एक फ्रेमिंग में लगा देते हैं, और वाकई में वर्थ है यार, 19-20-18-20-25 हज़ार रुपये मैं बोलूँगा इसके लिए कोई भी दे देगा। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखाइए सौरभ, ये देखिए, इसमें कम से कम 1 महीना लगा होगा, लग जाता है, लग जाता है, कितनी खूबसूरत, 1 महीना लगा होगा। ये देखिए, ये भी देखिए, हमारे पास फेसबुक पेज भी है, अगर आप चेक करना चाहो तो। आप जल्दी से बता दीजिए उसके बारे में, पाठक फोटो फ्रेम। हाँ, पाठक फोटो फ्रेम आपकी शॉप का नाम है? पाठक फोटो फ्रेम इनकी शॉप का नाम है। नंबर दे दिया भाई साहब ने, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बने रहिए खिचड़ी बाजार के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।